सब्सक्राइब करें टी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद रवि शास्त्री ने इशारे से पूछा कि अब कौन करने आएगा बल्लेबाजी, तो मैदान से ही रोहित ने दिया गजब का जवाब। जी हाँ, श्रीलंका के खिलाफ इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने गजब की बैटिंग करते हुए न केवल शानदार 118 रन बनाकर सबसे तेज शतक लगाकर डेविड मिलर की बराबरी की, बल्कि बेहतरीन कप्तानी का उदाहरण भी पेश किया। दरअसल जब तूफानी शतक लगाने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए थे तो चारों तरफ तालियों का शोर था, लेकिन टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री के मन में इस बात को लेकर उलझन थी कि अब किसे भेजा जाए, और इस बात को उन्होंने मैदान में शतक मारकर आउट हो चुके रोहित शर्मा की तरफ दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूछा कि अब किसे बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए। इस पर रोहित शर्मा ने अपने दोनों ग्लव्स को जोड़कर जवाब दिया, यानी टीम इंडिया के विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद टीम इंडिया के विकेटकीपर एमएस धोनी बैटिंग के लिए आए। गौरतलब है कि पहले T20 मैच में भी रोहित शर्मा ने धोनी को प्रमोट करके नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा था, और धोनी ने बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर उनके फैसले को सही साबित किया था। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।